आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is, a tank has two inlet and one outlet. The inlet fill up the tank in 6 hours and 8 hours individually and outlet empties it in 10 hours. If the inlets are open for a hour and closed, then all the three taps are open together. How much time will it take to fill up the remaining tank? Options given are 75 divided by 23 hours, 72 divided by 23 hours, 85 divided by 23 hours and 82 divided by 23 hours. Okay, so देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दो इनलेट हैं, तो एक हो गया मेरा इनलेट वन और दूसरा है इनलेट टू और एक है आउटलेट पाइप, ओके, जिसको मैं आउटलेट वन बोल सकता हूँ। अब ये थ्री पाइप्स हैं यहाँ पे और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है वो 6 आवर्स के अंदर है ना क्या कर सकता है, इसको फिल कर सकता है। फिल करने का मतलब क्या है कि वाटर को ऐड करेगा, तो मैंने प्लस ले लिया, इसको भी मैंने ले लिया प्लस और ये हो गया 8 आवर। बट जो आउटलेट है वो क्या करेगा, एम्प्टी करेगा, डेट मींस माइनस साइन लगा लिया मैंने यहाँ पे और ये हो गया 10 आवर्स, ओके। अब देखिए अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो वहां से मुझे मिल जाएगा कि क्या कितना लीटर का ये टैंक होगा, वो मैं अज्यूम कर सकता हूँ इनका प्रोपोर्शन, ओके। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 240, तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया अभी फिलहाल कि 240 लीटर का टैंक, ओके। अगर बताइए ये टैंक 240 लीटर का है और इनलेट 16 आर में फिल कर सकता है इंडिविजुअली, तो 1 आर में ये कितना फिल कर रहा होगा, 40 लीटर फिल कर रहा है इसलिए प्लस, और ये 8 आर में कितना कर रहा होगा, 30 लीटर, 1 आर में कितना करेगा, 30 लीटर, दैट मींस प्लस का 30, ओके। नाउ ये है 10 आर्स में एम्प्टी कर देता है, तो 1 आर में कितना एम्प्टी करेगा, 24 लीटर, ओके, और वो माइनस का। ये हो गई इन तीनों इनलेट पाइप्स की क्या इफिशियंसी। अब हमें क्या देखना है, देखो 1 आर क्या हुआ, ये दोनों इनलेट चले, तो इनलेट जब चलेंगे 1 आर तो ये 40 और ये 30, 40 प्लस 30 इतने लीटर पानी, डेट मींस 70 लीटर पानी तो टैंक में पहले से ही है, तो रिमेनिंग टैंक कितना है, तो रिमेनिंग टैंक हो जाएगा 240 माइनस 70 इक्वल्स टू 170 लीटर, ओके। अब इस 170 लीटर को कैसे फिलअप होना है, इन तीनों को ऑन करके। तो देखिए एक घंटे के अंदर अगर मैं देखता हूं तो यहां से 70 लीटर पानी अंदर जाएगा बट 24 लीटर बाहर निकल आएगा, इसका मतलब 1 आवर में टोटल पानी कितना अंदर गया, 70 माइनस 24 डेट इज इक्वल्स टू, ये है 1 आवर, तो डेट इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 46 लीटर, ओके। अब देखिए 46 लीटर को अंदर जाने के लिए आपको लगता है 1 आवर, तो आपको बताना है कि 170 फिलअप होने के लिए कितने आवर लगेंगे, तो 1 लीटर के लिए कितने लगेंगे, 1/46 आवर्स, और यहाँ पे आप 170 का फिर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 170 लीटर जो रिमेनिंग टैंक है उसमें आपके कितने लगने वाले हैं, 170 डिवाइड बाई 46 आवर्स। अब जब इसको मैं 2 से कट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 85 डिवाइड बाई 23 आवर्स, ओके। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।